अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके दुआओं से हम सब भी ठीक आएंगे। देखें कि हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है और हम इसको चेक कर रहे हैं। वैसे तो इसके अंदर चूहे चले गए शाबाश, तो ना अब पता नहीं ये कैसे ठीक होगी। एक चूहा अंदर ही है इसके अभी भी। ये देखिए गाइस, ये मैं बनाई थी आज आलू के पराठे। A few moments later. ये देखिए गाइस, ये बन गया था आलू का पराठा। तो ना मैं दिखाना ही भूल गई, वो ना इनाया ने पहले खाना स्टार्ट कर दिया। तो देखें इसकी फाइनल लुक है, बड़ा मज़े का यम्मी बना हुआ पराठा। आपका भी दिल कर रहा है तो आप भी बना के खा लें, ठीक है? मैं इतनी दूर से आपको नहीं भेज सकती गाइस। ये हम जा रहे हैं आउटिंग के लिए। ये देखिए रास्ते से हम गुजर रहे थे, ये आराम आगे बैठा हुआ है। ये देख लें गाइस, आराम से भी मिल लें। हेलो करो, हेलो करो, बाय बाय टाटा, हेलो करो। तो ना अभी देखो हम कहाँ जाते हैं। ये हम अभी घर से निकले हैं, तो थोड़ी देर तक हम देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। अभी हमने डिसाइड भी नहीं किया है, देखते हैं आज क्या करते हैं। जी मम्मा, गाइस को बता दिया? गाइस ये कह रहे हैं, मैंने गाइस को बता दिया। गाइस ये नया पूछ रही है, मैं प्यारी लग रही हूँ? नहीं। और ये शूज कैसे लग रहे हैं गाइस, आप जरूर बताइएगा। गाइस ये यहाँ की कॉलोनी अल नूर ऑर्चर्ड, ये काफी अंदर से भी प्यारी बनी हुई है। ये देखिए गाइस, ये हम अभी तक रास्ते में हैं, अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप कमेंट में हमें सजेस्ट करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। ये देखिए गाइस, जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ, ये दो शख्स आ जाते हैं कैमरे में और बोलना स्टार्ट कर देते हैं और मुझे बोलने ही नहीं देते हैं। तो पहले आप इनकी बातें सुन लें, उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। ये गाइस हम रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। ये गाइस ये है बारबेक्यू टुनाइट, इस पर हम उस दिन आए थे, इसलिए आज हम यहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि ना इस पर हम काफ़ी बार आ चुके हैं, आज हम कहीं और जा रहे हैं। देखिए गाइस ये आ गया है टू प्लाजा। अपने गाइस हमने दे दिया फ्री का टैक्स। ये देखिए गाइस ये हम सिटी में एंटर हो गए हैं। ये हम आ गए हैं नूर महल, ये हम एंटर हो गए हैं नूर महल में। ये देखिए व्यू, इन आया तो नूर महल को देखते ही कह रही है वाओ। ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू है, ये देखिए अभी तो अंदर से आपको दिखाएंगे इसका व्यू, रात के टाइम तो और भी प्यारा व्यू हो जाता है इधर का ना। देखिए गाइस हम गाड़ी से उतरे हैं अभी अभी, अब हम जा रहे हैं अंदर। देखिए बाहर से इसका ये भी है गाइस, ये ना है कि बाबा ना टिकट लेने के लिए गए हुए हैं। ये देखिए ये भी बाहर से ऐसा है, और ये ना है को शायद कोई स्विंग्स नजर आ गए हैं। आरम को तो देखो, देखो आरम किधर है। ये देखिए गाइस आरम हर जगह आकर ना बस ऐसे ही हमें तंग करता है, गुम हो गया, अब नज़र ही नहीं आ रहा है। अब हम आरम को ढूंढते हैं फिर चलते हैं आगे। गाइस ये ना को गुस्सा आ गया क्योंकि आरम आगे भाग गया। वो देखिए गाइस नज़र आ रहा है आपको आराम। तो ना अभी तक हम आराम को ही पकड़ने में लगे हुए हैं, अभी तक हम अंदर भी एंटर नहीं हुए हैं क्योंकि ना इनायक बाबा गए हुए टिकट्स लेने के लिए और हम अभी तक अंदर भी एंटर नहीं हुए हैं। आराम कहाँ पहुँच गया, पकड़ा ही नहीं जा रहा है तो उनसे आराम। ये देखिए तो बाबा गए उसे पकड़ने के लिए। ये देखिए गाइस हम नूर महल में एंटर हो गए हैं। ये आज ट्रिप आए हुए यहाँ पे, शायद तो ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड है लेकिन ये व्यू देखिए कितना प्यारा है। ये है गाइस यहाँ का नूर महल। ये किसने बनाया था? नवाब सादिक जी, ये नवाब सादिक ने बनाया था मलका विक्टोरिया के लिए। तो जैसे वो इंडिया में है ना ताजमहल आगरा का, आगरा में है ताजमहल, तो इसी तरह ये भावलपुर में है ये नूर महल। तो ये देखिए व्यू चेक कीजिए, ये हम अभी एंटर हो रहे हैं तो फिर ना इसके एंट्रेंस भी दिखाते हैं आपको।
गाइस लिखा हुआ है मशरकी तहखाना। तो जब एंट्रेंस कर रहे हैं हम यहाँ की, ये कौन खड़ा हुआ है इधर, ये लिखा हुआ यहाँ पर हाथ लगाने से इतना कर इना हैंड नहीं लगाओ। तो ना ये देखिए एक इधर भी खड़ा हुआ है, शायद ये गार्ड टाइप है। देखिए गाइस ये इधर का अंदर का इनका व्यू है, ये देखिए ऊपर से देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। सामने जो है ना वो नवाब सादिक बैठते थे यहाँ वजीर वगैरह बैठते थे, यहाँ पे उनके वज़रा की सुनवाई होती थी, वज़रा वगैरह बैठते थे। और ना ये आई थिंक आज यहाँ पर कोई शॉट वगैरह कुछ है तो नवाब सादिक की जगह पर ये बैठे हुए हैं। तो ये नवाब सादिक बने हुए हैं, तो आप ये देख लीजिए, नहीं शो नहीं है, ये स्टैचू बना हुआ है। हम लास्ट टाइम जब यहाँ पर आए थे तो ये स्टैचूज नहीं थे, लेकिन अभी ये स्टैचूज हैं। देखिए यहाँ पे ना फोटो शूट हो रहे हैं। ये ऊपर का व्यू देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको क्लोज से नवाब सादिक भी दिखा देती हूँ गाइस। पता नहीं अब इधर की लाइट क्यों, ये देखिए गाइस ये हैं नवाब सादिक, मतलब स्टैचू बनाए हुए नवाब सादिक कैसे दिखते होंगे। उस टाइम पर मैं भी नहीं थी, अगर मैं होती तो मैं आपको बता देती कैसे दिखते थे कैसे। तो ना ये देखिए ये इधर का व्यू है, तो चलें अब आपको इधर से दिखाते हैं। ये देखिए ये है नवाब मुबारक खान अब्बासी, ये देख लीजिए गाइस। और ना ये कौन है, नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी, ये देखिए गाइस। और ये इनका सारा बायोडाटा लिखा हुआ है, ये देखिए जी। तो ना लॉ ऑफ सेवन, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, ये सारा ना नक्शा वगैरह बना हुआ है। और ना ये देखिए ये उनका पियानो वगैरह रखा हुआ है इधर, ये है गाइड मैप, नूर महल के म्यूजियम का मैप है ये। और ये उनका नवाब सादिक का पियानो रखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है ये पियानो बजाना बना है, वैसे तो हमें आता भी नहीं है बजाना। फोर्ट्स ऑफ चोलिस्तान सामने लगे हुए हैं, ये देखते हैं। ये देखिए गाइस ये द साइट ऑफ चोलिस्तान, ये देखिए ये सारा इधर नूर महल बावलपुर, जब ज़ेर तामीर था तो मतलब अब बना इन्होंने बाद में तामीर किया, जब ज़ेर तामीर था ना ये, तो तब ये इसकी कुछ ऐसी कंडीशन थी, तो फिर अभी ऐसा बन गया जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले ये ऐसी कंडीशन थी इसकी, अराइवल ऑफ अब्बासी इन भावलपुर, ये देखिए। और ये एवोल्यूशन ऑफ भावलपुर स्टेट, ये ऊपर से ये देखें कैसा बना हुआ है ये, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो जी नाया। ये देखिए ये वहाँ पे फबी अई आला रबी गुमत का ज़िबान पेंट हुआ है। और ना मैप ऑफ भावलपुर, ये भावलपुर का मैप है सारा। तो ना जो ये अभी आपको सारा दिखाया था ना,
देखिए गाइस, ये हम अंदर जा रहे हैं रेस्टोरेंट के। रेस्टोरेंट का नाम है शाही कप। ये देखिए ना, और हमको लगी हुई है एज वी आर बहुत ज़्यादा भूख। ये देखिए गाइस, ये हम खाने के लिए आए थे कुछ यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी हमारा ऑर्डर आ रहा है गाइस, और अरम और इनाय चले गए हैं स्विंग्स लेने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको ये रेस्टोरेंट भी दिखा दूँ, शाही कप। तो ये देखेंगे इनका बाहर का व्यू है, ये देखें बहुत ही प्यारी जगह है गाइस। ये आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। ये देखिए, आई थिंक मेरे बच्चे मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, तो मैं उनको ढूंढ लेती हूँ। अरम इनाय, देखिए गाइस, वन ऑफ द बेस्ट व्यू एवर। ये आई थिंक यहाँ पे ना स्पेशल बुकिंग करवानी पड़ती है, तो फिर आपके लिए टेबल कर देते हैं रिजर्व, और डेकोरेशन वगैरह भी कर देते हैं। ये कोई टनल टाइप बना हुआ है, ये अम्ब्रेलाज हैं, ये भी ओपन होती हैं। हम एक बार आए थे तभी ओपन थी, अब शायद क्लोज की हुई हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी देर तक कोई शो भी स्टार्ट होता है, और ये मुझे नज़र आ गए हैं मेरे बच्चे, तो मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, जो 5 मिनट्स पहले मुझसे बगैर पूछे चले गए थे जी। तो गाइस, आना हमारी नाई कह रहे हैं कि मम्मा हमें स्विंग्स दे दें, तो मैं इन बेचारों को स्विंग्स दे देती हूँ, क्योंकि ना इनको स्विंग्स खुद से आई नहीं रहेंगे। देखें ये सारा यहाँ का व्यू है गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये अरम और इनाय ले रहे हैं स्विंग्स। इनाय दे रही है अरम को स्विंग्स। तो ये देखिए कितना पीसफुल व्यू है, आई जस्ट लव इट गाइस। ये दूर से ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। ये देखें, आप यहाँ पर बैठ कर भी अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ शायद दरमियान में बोन फायर टाइप कुछ होता है। गाइस, ये अपना पॉपिट ले आया और हम, और कह रहे हैं कि ना मैंने खेलना है बस इससे। और इनाय से पूछ रहा है कि इनाय आप इसमें से ऑर्डर करो, ये खाना है, ये खाना है। हालांकि इसको खुद को पता है नहीं। गाइस, अगर आपने भी खाना है ना, तो आप आराम से रब्ता कर सकते हैं। बस ये शुरू हो गए इनके वही काम जो ये घर में करते हैं। 15 minutes later गाइस, ये हमारा खाना आ गया और हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो अब हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी खा लेंगे हम, उसके बाद यहाँ पर एक शो है, फिर हम आपको शो भी दिखाते हैं, ठीक है गाइस? ओके। जा रहे हैं घर, ये देखिए, हमने खा लिया था खाना पीना जो भी खाना था हमने। ये देखिए गाइस, ये इनका नाइट व्यू है, ये देखिए। यहाँ से इनके एंट्रेंस के टाइम पर मैं दिखाना भूल गई थी आपको, मैं इनका वापसी पर आपको दिखा देती हूँ। गाइस, यहाँ गाड़ी में और निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आज संडे है, इसलिए ना सब लोग आउटिंग पर निकले हुए होते हैं। ये देखिए, ये हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए गाइस, हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। हमने खा लिया था, पी लिया था, और हम कह रहे हैं मुझे भी दिखाओ, और हम आपको भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये इनकी ना बाहर से जब हम एंटर हुए ना, तो एंट्रेंस इनकी ऐसी है बाहर से,
आप ये देखें कितनी प्यारी एंट्रेंस बनाई हुई है। अब हम बस जाएंगे घर की तरफ, फिर घर पहुँच कर आपको दिखाते हैं। तो रास्ते में अगर कुछ और अच्छा सा व्यू आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पर ना हॉर्सेस लगे हुए हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। रात के टाइम में इन पर लाइटिंग हो जाती है। आरम कह रहे हैं मम्मा गोई गोई, आरम को बोलना नहीं आता है। तो गाइस आप आरम की बातों को समझ आया करें। कैसे कहूँ आरम बाबा गोई गोई। गाइस ये देखिए आपको सामने नज़र आ रही है, ये शॉप जो है ना, ये मटका कुल्फी की शॉप है और ये कोई 70-80 साल पुरानी शॉप है। ये यहाँ की काफ़ी फेमस शॉप है और ये हम गाड़ी में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं ये मटका कुल्फी। इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ एंड वाओ, यू शुड मस्ट ट्राई दिस गाइस। आप कभी यहाँ आएँ तो ये देखिए मटका कुल्फी ज़रूर ट्राई करें। कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।